नहीं मुझे। हाँ आज तक बेटा आपने रिकॉर्डिंग अपलोड की? हो सर मुझे गई दिखी कर नहीं। वो रिकॉर्डिंग चाहिए दी है सर। बेटा, कर दी सर। हाँ यूट्यूब एक पे बार है, आप ग्रुप लिंक सेंड कर दीजिए ना पे ग्रुप में। सेंड कर दीजिए सर लिंक। मुझे ग्रुप पे याद दिलाना, मैं कर दूंगा, है ना। ओके सर। सर ओके परसों सर। की भी और कल की भी। सर सारी कर कल की दी। ज्यादा जरूरत है। सारी कर दी, सारी कर दी, है सर ना। दिखी कल नहीं की मुझे। हो सर डन। गया, हो गया। ये दो हाँ फॉर्मूले दोनों इजी है, याद हो जाएंगे। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। सर एक सेकेंड। अभी बता रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक लिख लो आप रखता। लिखो हाँ हो गया सर। हो गया। हो गया देखना सर। बेटा, पहला फैक्टर मैं बता रहा हूँ जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब आप खुद बताओगे, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है, जैसे एच एफ, एस सी एल, एच बी आर एंड एच आई, ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी कि ज्यादा हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन पास आ रहे होंगे, ज्यादा। बताओ। बॉन्ड लेंथ हाँ ज्यादा हो रही होगी कम हो रही सर होगी ना बेटा। कम हो रही अगर है। मैं, अगर पास आ रहे आप तो लोगों कम ही को हो मैं रहे बोलूं कि होंगे आप मुझे सेंटर पे आकर मिलो, तो अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी ना। पहले आप सर। पता हाँ नहीं कितने सर। किलोमीटर दूर रहते हाँ हो, अब मैं बोल रहा हूँ बल्डी आ जाओ, तो बल्डी आओगे तो क्या एक हुआ? किलोमीटर दूर और कम हो गया कम हो जाएंगे डिस्टेंस डिस्टेंस। कम। मतलब अगर पहले इलेक्ट्रॉन इतनी दूर थे, अब ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच के ले आया, तो बॉन्ड लेंथ तो इतनी हो गई ना। हाँ कम हो जाएंगे। तो हाँ जैसे सर। जैसे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है, सिंपल है। मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सबसे कम बॉन्ड लेंथ एच एफ जल्दी की, देन एच सी एचएफ। एल की, देन एच बी आर की, देन एच आई की। मतलब मैं हाँ ये लिख सर। सकता हूँ कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ठीक है। हाँ आपको इनकी, आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रखी है, इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 3 होती है, 3.2, इसकी 2.5 होती है, ऐसा बता रखी है। नहीं। नहीं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, पीरियोडिक टेबल के मैं कुछ वीडियोस आपको बता दूंगा, वो देख लो, ठीक ओके है। सेकंड, पहला वाला इफेक्ट समझ आ गया, अफेक्ट जो फैक्टर कर सर। रहा है। दूसरा होता है बेटा हाँ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन बॉन्ड, दूसरा बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? इसका, इसका हाँ बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल है बॉन्ड थ्री, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इसका बॉन्ड ऑर्डर है टू, सेट टू इसका बॉन्ड ऑर्डर है वन, वन वन। आया ना। और हाँ बॉन्ड लेंथ हाँ सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ? सी ट्रिपल सी बॉन्ड। ट्रिपल सी बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सी ट्रिपल बॉन्ड, सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। कितनी होती है हाँ हमें याद रखनी है? 1.4 एंगस्ट्रॉम। सी हाँ ट्रिप, सी डबल बॉन्ड, सी की क्या बॉन्ड लेंथ होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम। ये याद भी करना है हमको, इम्पोर्टेंट है, क्लियर। मतलब मैं ये बोल हाँ सकता सर। हूँ क्या कि बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के? बोलो हाँ हाँ या हाँ ना, हाँ समझ हाँ आता है ये? जैसे हाँ जैसे सर। बॉन्ड हाँ ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? कम कम होती कम जा हो रही है। रही है। तभी तो हम बोलते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे कम स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। मतलब एक धागे को तोड़ना इजी है, तीन धागों को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्लियर डिफिकल्ट। है, हाँ सर। नोट करो। हो गया सर। कर दो रे, ठीक नहीं सर एक मिनट।
ओके सर थर्ड देखना बेटा थर्ड थर्ड नहीं बेटा क्वेश्चन करो चलो एक दो क्वेश्चन सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ एक करना है सी एन सी डबल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन एक क्वेश्चन है ये वन ये टू ये थ्री सी सिंगल बॉन्ड सी सी सिंगल बॉन्ड ए सी सिंगल बॉन्ड ओ इन तीनों क्वेश्चन को करो कर रहे हो क्या हाँ सर हो गया देखो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की देन डबल बॉन्ड की देन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी सेम है अब यहाँ पे तीनों ही सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ सीओ की क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन देन सी सिंपल है थर्ड देखना थर्ड रूल है हमारा रेजोनेंस का देखो जैसे हमारी बेंजीन रिंग इस तरह की होती है इसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं सिंगल बॉन्ड भी होते हैं अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी है जिस पे हमारा बॉन्ड लेंथ थी 1.454 है और ये वाले बॉन्ड की बात करूं तो ये सी डबल बॉन्ड सी ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए बट एक्चुअल में क्या होता है सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम अब ऐसा क्यों हुआ हाँ सारे बॉन्ड की बेटा छह बॉन्ड है यहाँ पे तीन तो डबल बॉन्ड तीन सिंगल बॉन्ड सभी की इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 अब वो क्यों होती है मैं बताता हूँ अब ये थोड़ा सा नोट करो हो गया सर एक सेकंड प्लीज सर डन हो गया सर डन अब देखो ये जो बेंजीन है ना इसका अगर मैं रेजोनेंस बनाना चाहूं तो इस तरह से भी बना सकता हूं दोनों सेम स्ट्रक्चर है बेटा इनको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं रेजोनेंस देखो यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर था अब यहाँ पर क्या आ गया सिंगल बॉन्ड आ गया पहले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया इस वजह से इन दोनों का हम एक कंबाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से भी आपने बेंजीन का देखा होगा मतलब इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना वो सारे बॉन्ड्स पे एप्लीकेबल हो रहा है मतलब ना तो कोई बॉन्ड पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है ना कोई बॉन्ड पूरी तरह से डबल बॉन्ड है वो दोनों के बीच का है अब कितना बॉन्ड है दो एटम के बीच में उसी को तो हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऐसा ही बोला जाता है ना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बॉन्ड बिटवीन टू एटम तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूला था सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा देखो दोनों में सिग्मा कितने हैं छह हैं पाई कितने हैं थ्री हैं अपॉन सिग्मा तो ये कितना आ जाएगा 1.5 मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया कोई भी दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5 अब देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर बीच का है वन और दो के बीच का
तो बॉन्ड लेंथ भी बीच की होनी चाहिए थी 1.54 एंड 1.34 के बीच की, तो वो अप्रोक्स कितनी आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। समझ आ गया? मतलब रेजोनेंस के साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होता है, और बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है। समझ आया? इसमें हम लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ये अब लिखते जाना बेटा साथ साथ, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर विल ऑल्सो चेंज, एंड ड्यू टू विच बॉन्ड लेंथ ऑल्सो चेंजेस। क्लियर है? नोट कर लो। नो सर। डन सर। नहीं सर। हाँ सर, हो गया सर। कर दो रे। अब देखना सर, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर वन, मुझे बी एफ की बॉन्ड लेंथ बतानी है बोरॉन एंड फ्लोरीन के बीच की इन बी एफ थ्री और इन बी एफ फोर माइनस। अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे। बी एफ थ्री को हम पढ़ चुके हैं, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, होती है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब यहाँ पर रेजोनेंस है, कैसे रेजोनेंस है? यहाँ पर हमने अभी रेजोनेंस के रूल पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रेजोनेंस है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम सिग्मा बॉन्ड कितने है 3 और 1 पाई बॉन्ड 1/3, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा? 1.33 है ना। बी एफ फोर माइनस, अब बी एफ फोर माइनस तो चार बॉन्ड बना रहा है, मतलब टेट्राहेड्रल है, पहली बात तो ये। हाँ सर। इस तरह से अब ये टेट्राहेड्रल है तो इसमें रेजोनेंस तो है ना, रेजोनेंस है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड थे, इस वजह से 1 आएगा, 4/4 तो 1। डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, लेकिन माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज में जब हम जीओसी पढ़ेंगे ना तो आपको रेजोनेंस के बारे में अच्छा से पता लगेगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो बॉन्ड के बीच का बॉन्ड, तो चारों में ही सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, है ना। अब देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है तो जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ कम, सबसे कम, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका था? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बी एफ थ्री का था, तो बी एफ थ्री की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी किससे? बी एफ फोर माइनस। कर सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन? हाँ सर। चलो मैं कुछ क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट पेज पे, आप ये नोट करो। हो गया। डन हो गया। हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन है, आपको CO की बॉन्ड लेंथ बतानी है इन CO, CO2, CO3 माइनस 2, RC डबल बॉन्ड O, O माइनस, इनमें। तीसरा क्वेश्चन है, आपको O सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ बतानी है, पहली बतानी है O2, देन O3, देन H2O2। चौथा क्वेश्चन है, आपको एस ओ की बॉन्ड लेंथ बतानी है इन एस ओ थ्री, एस ओ थ्री माइनस टू, एस ओ फोर माइनस टू। नोट करो, करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताऊं।
कर रहे हो बच्चों कोशिश? यस सर, हो रहा है। हाँ सर, कर हो रहा है। मैं बताऊं आप सर, एक मिनट CO3 एक मिनट सर, मुझे नेक्स्ट वाले इक्वल आ रहे। हाँ सर, हाँ सर, वो इक्वल आ रहे हैं CO, CO2 और CO3 टू माइनस। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है बताओ? थ्री आया क्या? थ्री ट्रिपल बॉन्ड हो सर, आया ट्रिपल। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? टू आया क्या? टू आया। ठीक है, CO3 माइनस टू को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। देखो कैसे डायग्राम बनाते हैं, दो ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज क्योंकि माइनस टू है, इसी तरह से बनाऊंगा। हाँ, तो कैसे हाँ, बनाऊंगा? थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, तो ये आ जाएगा 1.33। मतलब यहाँ लिख दो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1.33। आया ना? हाँ सर, हाँ समझ आ सर। गया। अब मैं बात कर रहा हूँ आर सी डबल ओ की। यहाँ पर जो रेजोनेंस है ना बेटा, ओनली ये वाले एंड पर, ये आर रेजोनेंस में पार्ट, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अभी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जब हम जीओसी पढ़ लेंगे तो जीओसी की शुरू की एक दो क्लासेस में ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो वो आएगा टू प्लस वन अपॉन टू, कितना आ जाएगा? 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1.5। क्लियर है? सर, अब सीओ थ्री सबसे टू माइनस का एक बार बताना सर। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है और माइनस का चार्ज टू है, माइनस टू है, तो तीन में से दो को आप क्या दोगे? माइनस का चार्ज दे दोगे, और एक को माइनस का चार्ज नहीं देना तो उसको डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़ेगा। ऐसा ही बनेगा ना? ऐसा ही बनेगा। जैसे एसओ फोर माइनस टू बनाना है मुझे, एसओ फोर माइनस टू, तो सल्फर से आपको चार ऑक्सीजन जोड़ने। अब उनमें से दो पर ही आपको माइनस चार्ज देना है, तो बाकी के दो को आप डबल बॉन्ड दोगे इस तरह से। हाँ सर, समझ गए? ऐसे ही बनता था ना लुईस स्ट्रक्चर। हाँ, वो छह बॉन्ड साइड इसमें होने चाहिए। तो देखो, हाँ बोलो बेटा। मुझे वो वाला एक बार फिर से समझाए ना, लास्ट कौन वाला। सा? देखो बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस सिर्फ ये वाला जो मैंने सर्कल बनाया ना इसमें है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दो है। पाई बॉन्ड कितने है? वन है अपॉन टू, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। हाँ, अभी समझा। ठीक है, तो अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? सीओ का, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ उसी की, तो फोर्थ नंबर पे मैं इसको रख दूं। फिर किसका आ रहा है? टू वाले का, तो थर्ड नंबर पे इसको, फिर सेकंड नंबर पे इसको, सबसे ज्यादा किसको? 1.3। हाँ समझ आ गया। हाँ सर, O2 में बॉन्ड ऑर्डर टू ही आता है। टू। हाँ O3 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? O3 कुछ इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से। तो कैसे निकालेंगे? टू प्लस वन अपॉन टू, तो 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। आए ना? हाँ H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? वन होगा। क्यों होगा? H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर वन, इस तरह से होता है H2O2। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? वन आ गया।
तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब ये सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, छोटी बॉन्ड लेंथ, देन ये, देन ये, सिंपल है। हाँ। अब SO3 कोई चार्ज नहीं है ना SO3 पे, तो SO3 को आप इसी तरह से बनाओगे तीनों ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हाँ है ना, मतलब हाँ। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में तीनों में दो आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, टू टू बेटा टू, डबल बॉन्ड है ना दोनों के बीच में, हाँ। ये डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया टू। SO3 माइनस टू कैसे बनाओगे, अब तीन ऑक्सीजन में से दो को आप क्या दे दोगे माइनस का चार्ज, ऐसे ही करोगे ना, तीन ऑक्सीजन में से दो को आप दे दोगे माइनस का चार्ज, हमने इन दोनों को दे दिया तो तीसरे को क्या देना पड़ेगा डबल बॉन्ड, तो 1.33 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। हाँ तो 3+1/3 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा 1.33, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 1.33। SO4 माइनस टू में यहाँ पर एक ऑक्सीजन और लगा दूंगा तो SO4 माइनस टू हो जाएगा, होगा क्या, हाँ। हो जाएगा, हाँ, ये SO4 माइनस टू ही है ना, SO4 माइनस टू है तो बताओ क्या लिखूं, 4+2/4 क्या आ जाएगा 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1.5। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, फर्स्ट नंबर पे ये, समझ आ गया हाँ, आपको, नोट करो। सभी बच्चों को आया क्या, तीन चार बच्चे ही रेस्पॉन्स कर रहे हैं बेटा, सभी को आया आ गया, जोर से बोलो सर, जोर से बोलो जय माता दी सर, जय माता दी, जय माता दी सर, जय, हो गया सभी का, हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया, कर दो ही रेस, हाँ कोई है तो नहीं उम्मीदवार जो लिख रहा हो, उम्मीदवार का पता नहीं सर, लेकिन स्टूडेंट वगैरह होंगे। हो गया हो गया, कर दूं, हाँ चलो ये इरेज कर रहा हूँ बेटा, ये मैंने समझाया था, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको पहले से हाथ में बनाना। फोर्थ हमारा फैक्टर होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बिल्कुल सेम ही है एक तरह से। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हम बात करते हैं परसेंट एस कैरेक्टर की, जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हाँ है ना, होती है, सेम है, सब कुछ पीरियोडिक टेबल का ही चल रहा है। जैसे अगर मुझसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि मुझे एग्जाम्पल बताओ इसका, ये है C2H6 और दूसरा है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इस तरह का मुझे ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अब इसको मैं बोल देता हूँ गामा, मुझे अल्फा बीटा एंड गामा की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, ये वाली कर सकते हैं क्या, देखो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मुझे अगर इस वाले कार्बन की बात की जाए तो ये वाले कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में, चार बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 बेटा, चार मतलब sp3, कैसे पता लगा, एक तो ऐसे तीन की है, टोटल चार हो गया ना, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तीन बना रहा है, पाई बॉन्ड को स्टेरिक नंबर में काउंट करते हैं क्या, नहीं, तो स्टेरिक नंबर 3 आएगा, मतलब ये क्या है sp2, और यहाँ पर से सिग्मा बॉन्ड दो बनाए जा रहे हैं तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, परसेंट एस कैरेक्टर सब में सबसे ज्यादा sp में होता है, देन sp2 में, देन sp3 में, मतलब ये वाला कार्बन एसपी वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाँ। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, मतलब गामा सबसे छोटा होने वाला है, देन बीटा, देन अल्फा, समझ आया क्या, समझ आया, यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन से भी हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं। अब दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बेटा वन ही है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है,
लेकिन हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू देख लिया, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी. कम मतलब क्योंकि एसपी वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो दूसरे कार्बन को ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होगा, ज्यादा खींच रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी. ठीक है, नोट कर लो जल्दी. हो गया सभी का? हो गया? यस सर. इरेज कर दूं? हो गया सर. अब देखना बच्चों, नेक्स्ट कुछ स्पेशल क्वेश्चन में करवा रहा हूँ. एक क्वेश्चन है कि हमें ओ ओ की बॉन्ड लेंथ बतानी है बिटवीन ओ टू एच टू या फिर एच टू ओ टू और O2F2 में. देखो ये वाली बॉन्ड लेंथ बतानी है अल्फा एंड बीटा कंपेयर करने. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, देखना दोनों का बॉन्ड ऑर्डर वन है, दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर वन है. हाँ. तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं है. क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींच रहा होगा अपनी तरफ. हाँ. जबकि दूसरे केस में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन खींच रहा होगा. फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑक्सीजन के चारों ओर बढ़ रहा है यहाँ पर. हाँ. और सेकंड केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फ्लोरीन की तरफ जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले केस में कि सेकंड वाले केस में? ऑफकोर्स फर्स्ट वाले केस में. हाँ. रिपल्शन ज्यादा बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी कि कम हो जाएगी? रिपल्शन मतलब एक दूसरे के दूर दूर जाना, दूर दूर जाना मतलब बॉन्ड लेंथ का बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाना. हाँ. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा बड़ा होगा बीटा से. हाँ. समझ आया? यस सर समझा. समझ आया कैसे किया हमने ये? हाँ. क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर इकट्ठा हुआ, फर्स्ट वाले केस में ऑक्सीजन के पास, जबकि सेकंड केस में फ्लोरीन के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप दूर चले गए. जैसे हमने याद है अभी कुछ टाइम पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम देख रहे थे, है ना, सराउंडिंग एटम सेम थे, सराउंडिंग एटम डिफरेंट थे और सेंट्रल एटम सेम थे, तब पढ़ा था हमने बॉन्ड एंगल के बारे में. हाँ. अरे भूल गए क्या केस? ए ए बी बी एंड सी सी. अब मैं मान रहा हूँ कि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो सी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा होगा. अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है तो वो अपने आप दूर चले गए, तो बॉन्ड एंगल इसका कम हुआ, सॉरी बढ़ गया होगा. बॉन्ड लेंथ बढ़ गया. तो मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल को क्या लिख रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सराउंडिंग एटम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ते जाएगी बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. समझ आ गया था ये वाला भी? चलो अब ये वाला समझ आया कि नहीं आया? ओ बॉन्ड लेंथ वाला आया सर. अब दूसरा, ये थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, इम्पोर्टेंट साइन लगाना है इसमें. दूसरा स्पेशल क्वेश्चन है, इस पे भी इम्पोर्टेंट साइन लगाओ कि एन एफ बॉन्ड लेंथ इन एन एफ थ्री इज हायर then expected. Why? क्वेश्चन नोट करो पहले, फिर मैं इसका रीजन बताता हूँ. कर लिया. हाँ. अब देखो NF3 कुछ इस तरह से होता है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ना टेट्राहेड्रल शेप होगा, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए इस तरह का बना रहा हूँ. अब हमारे पास नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तीनों फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, इस तरह से, है ना. अब ये वाला लोन पेयर इसके पास है और ये वाला लोन पेयर इसके पास है. लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी कि कम होगी? इंक्रीज होगी. बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है
तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, रिपल्शन बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम, रिपल्शन बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, सिंपल है। इस वजह से एनएफ का जो बॉन्ड लेंथ है एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है, इस वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, समझ आ गया? समझ आ गया, लिखवा दूंगा इसको। ये NF3 को बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ। बना लिया? हो गया सर। एन एफ थ्री बोथ एन एंड एफ हैज लोन पेयर, सो रिपल्शन बिटवीन देम इज हाई एंड in order to minimize repulsion bond length increases ऐसा एक और example भी है NH2 OH, NH2OH को हम इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है हायर देन एक्सपेक्टेड होती, हायर देन एक्सपेक्टेड। इसमें रिपल्शन होता है ना सर? हाँ, अगर रूल ये बोलता है कि अगर दोनों एटम के बीच में, दोनों एटम के पास में लोन पेयर है तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। आप रूल भी लिख लो, एक काम करो, रूल भी लिख लो। ये नोट कर लिया NH2OH का? सर बस एक सेकंड। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। जनरल रूल लिख लो इसी का, इफ टू सेकंड पीरियड एलिमेंट हैविंग लोन पेयर बोथ आर बॉन्डेड थ्रू अ बॉन्ड देन बॉन्ड लेंथ इज higher than expected. Clear है? हाँ सर। कर दूँ इरेज? सर नहीं, बस एक सेकंड। ये था बेटा, हमने अभी तक बॉन्ड एंगल देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, है ना? अब सेकंड देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ भी देख लिया, अब फोर्थ देख रहे हैं हम, बॉन्ड एनर्जी। फोर्थ पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एनर्जी। तो सिंपली बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी है ना, लिख लो इसकी डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड। फिफ्थ है क्या, इससे पहले और कौन कौन से कर रहे हैं? फिफ्थ है, फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अपन ने बॉन्ड लेंथ में ही वो पढ़ा है, ये हम पैरामीटर पढ़ रहे हैं, पैरामीटर। बॉन्ड लेंथ खत्म हो गया, अभी बॉन्ड लेंथ के फैक्टर देखे थे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ का फैक्टर था, समझे? ये फिफ्थ बॉन्ड एनर्जी है बेटा, ये अलग पैरामीटर है। हमने कौन कौन से पैरामीटर पढ़ लिए, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो। हमने सबसे पहले पैरामीटर पढ़ा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, देन बॉन्ड ऑर्डर, देन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड लेंथ, और ये फोर्थ है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? हाँ। इरेज करूं? यस सर, कर दीजिए। हाँ सर, हो गया। अब देखो ये भी बिल्कुल उनसे रिलेटेड ही है,
तो जल्दी जल्दी हो जाएगा अपना सर, एक सेकंड, एक मिनट में बता रहा हूँ बेटा, ये आप नोट कर लो पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। हाँ सर, हो गया। चलो, पहला फैक्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब मुझे बताओ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। कम हो रही होगी बॉन्ड लेंथ, कम हो रही होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। हाँ है ना। हाँ। मतलब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ क्या? ये फैक्टर इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है साइज या फिर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। इसमें मैं लिख रहा हूं लार्जर विल बी एटॉमिक साइज, स्मॉलर विल बी smaller will be bond energy। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही होगी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। हाँ है ना। या फिर हमने तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ रखी है, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होती है, 1s 1s वाली। क्यों होती है ये सबसे अच्छी ओवरलैपिंग क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस सबसे करीब है बेटा, अगर न्यूक्लियस सबसे करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है। समझ आ गया। उसके बाद कौन सी ओवरलैपिंग होती है, फिर आती है 1s 2p, फिर आती है ऐसे आगे बढ़ती जाती है। मुझे ये बताओ कि 2p 2p ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी या 3p 3p? ऑफ कोर्स 2p 2p, क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा करीब होगा ना। हाँ। है ना। 4p 4p और लेस इफेक्टिव, 5p 5p और लेस इफेक्टिव। समझ आया। हाँ। तो एटॉमिक साइज जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हो गया। यस सर। यस सर, हो गया सर। अब बात करते हैं कि एक एक्सेप्शन भी है इसमें, वो एक्सेप्शन है हेलोजन फैमिली का। देखो अगर हमें कंपेयर करना है फ्लोरीन को F2 को, Cl2 को, Br2 को एंड I2 को, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आनी चाहिए थी, I2 की। सॉरी, हम बॉन्ड एनर्जी बात कर रहे हैं तो सबसे कम I2 की, देन Br2, देन Cl2, देन F2, राइट? आए ना। है ना। तो ये तो वर्जन था एक्सपेक्टेड वाला, बट ये अगर एक्सेप्शन है तो कुछ रियलिटी एक्चुअल वर्जन भी होगा, वो होता है Cl2, Br2, F2 एंड I2। आपने ऐसा देखा भी होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एक ऐसा ही ऑर्डर था जिसमें Cl2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है देन F2 की, है ना। तो यहाँ पे यही है। हाँ सर, केकेडी सर ने बताया। हाँ, ये एक्सेप्शन है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन।
है ना, फ्लोरीन की स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो रिपल्शन है ज्यादा क्रिएट करता है, इस वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती, कम हो जाती. ठीक है, नोट कर लो. हो गया नहीं. हो गया. करो आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे. यस सर. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डाइपोल मोमेंट. नाम तो सुना होगा. हाँ सुना है, पता है ना. डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू. एम यू मत लिख देना, म्यू इसका प्रोनंसिएशन है. म्यू ऐसे लिखते हैं. ठीक है, डाइपोल मोमेंट जैसे हमने फेजांस रूल पढ़ा था याद है स्टार्टिंग में. वो हमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताता था आयनिक कंपाउंड में, तो डाइपोल मोमेंट हमें आयनिक कैरेक्टर बताएगा कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि हमें पता है. हाँ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड ना तो 100% कोवेलेंट हो सकता है ना 100% आयनिक हो सकता है. कोवेलेंट में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में एक एक करके. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी विच इज बेस्ड अपॉन bond polarities and bond polarity arise due to electronegativity difference. ये पॉइंट लिखो बेटा, फिर मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को. हो गया अब देखो बेटा. एक सेकंड चले आगे. हाँ. देखो बेटा, बॉन्ड पोलरिटी क्या होती है. जैसे कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, एक कंपाउंड है H और एक कंपाउंड है Cl. ठीक है, अब क्लोरीन हमें पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन हमें पता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. इस वजह से इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज. इसको बोलते हैं बेटा डाइपोल. क्या बोलते हैं, डाइपोल. मतलब अगर ये इधर उधर, हाँ अगर ये इधर उधर मूव करने लग जाए तो इसी को क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट. अब ये वाला जो कंपाउंड था, कौन सा कंपाउंड था, ये कोवेलेंट कंपाउंड था. लेकिन कोवेलेंट में भी आयनिक कैरेक्टर आ रहा है ना, आयंस जनरेट हो, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड. क्यों हुआ ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो कोई चार्ज आता क्या, नहीं आता ना, तो वो क्या होते, वो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता. ठीक है, अब किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, किसका नॉन जीरो होता है, वो हम आगे की कहानी में देखते रहिए धारावाहिक. क्लियर है. हाँ सर. चले आगे. हाँ सर. आपने रिपोर्टर का काम क्यों नहीं,
बेटा जॉब मिली नहीं, जॉब जो मिली वही ले ली। चले आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं। मक्खन मत लगाओ बस बहुत हो गया। पार्टी के लिए कर रहा सर ये। हाँ मेरे को पता है तीन तारीख का पार्टी सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं, वैसे कुछ वैसा कुछ इरादा। आपने आपने मैथ्स में वेक्टर पढ़ लिए क्या? फिजिक्स में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा थी बहुत पहले। तो ये डाइपोल मोमेंट भी हमें कोई मतलब नहीं, बस एक लाइन लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। हाँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये अच्छे से मतलब बस इतना सा और सब भूल जाओ आगे का। मिल गए चार मार्क्स। नहीं सर नहीं, मिल गए चार मार्क्स। फिजिक्स में ही बहुत है, केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है वेक्टर क्वांटिटी का। हर जगह हो गया ऐसा। हो गया हो गया। अब देखो डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से बताएंगे, इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाय, इस तरह से एरो बनाएंगे और उसको कट कर देंगे, एंड इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह, एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, ये भी ध्यान रखना, अगर हमें डायरेक्शन बतानी है और लोन पेयर आ चुका है तो एटम से हम लोन पेयर की तरफ बताएंगे, ठीक है? किस तरह से? जैसे मान लो कि एक बॉन्ड है ए और बी के बीच में, मैंने ए को बोल दिया है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन की तरफ बनाएंगे हम किस तरह से? एस बी से ए की तरफ। अगर हमारे पास ए है उसके पास कोई लोन पेयर है तो एरो किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से ऊपर जिधर लोन पेयर। हाँ जिधर लोन पेयर है एटम से लोन पेयर की तरफ, क्लियर? हाँ। तो हमें इस एरो से डाइपोल मोमेंट को बताना है। सर ये साइन का नाम डीबा है क्या? बेटा इसकी यूनिट होती है डेबाई, डेबाई यूनिट होती है इसकी। आगे आगे देखेंगे हम कौन कौन सी यूनिट होती है इसको, हम आगे देखेंगे। हो गया क्या? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं। सर ग्रीक लोगों ने नाम बहुत ले लेना सर केमिस्ट्री में सर, तो इसकी वजह से कंफ्यूज बहुत होता है। हाँ बेटा क्या करें, इंडिया वाले कुछ आयरन का भी सर, आयरन का भी तो फेरस रख दिया सर, अभी क्या करें उसमें। चलो फॉर्मूला और डाइपोल मोमेंटम देख रहे हैं, है ना? वो होता है न्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी, जहां पर क्यू है चार्ज, चार्ज डेवलप ऑन एनी पोल, ऑन एनी पोल। जैसे HCl में नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज भी, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, है ना? तो आप कोई से भी पोल को देख सकते हो, नेगेटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, बात एक ही। Q वो होगा, D क्या होगा? D होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब सिंपली उसकी बॉन्ड लेंथ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, क्लियर? तो हमारे सिंपल सा फॉर्मूला होगा डाइपोल मोमेंट निकालने का, Q इंटू डी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। देखो अब चार पांच यूनिट हम देखेंगे, इसकी यूनिट होगी ई एस यू पर सेंटीमीटर, एक यूनिट तो ये है ई एस यू पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पर नी, दूसरी यूनिट ये है डे बाई, और तीसरी यूनिट ये है सी इंटू एम, ये इसकी एसआई यूनिट है।
कूलम इनटू मीटर, ठीक है। मुझे पता है डेबाई क्या होता है, ई क्या होता है, ई होता है 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और अगर मैं इसको ईएसयू में लिखूं तो ई की वैल्यू होती है 4.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएसयू, मतलब 1 कूलम किसके बराबर होने वाला है, 3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 9 ईएसयू के। ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, 1000 किलोमीटर। तो ये अभी जो मैं अभी आपको यूनिट कन्वर्जन लिखाऊंगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बाकी ये तो बेसिक यूनिट्स है इसकी। कर दूं रेस? सर एक सेकंड। सर रुको। सर आज के लिए इतना ही रखते ना। क्यों बेटा? सर बहुत हाथ दुख गए। सर बहुत हाथ दुख गए। तीनों क्लास में बहुत लिखा है सर। छह मिनट और लिख लो। सर आपके तीसरी क्लास है। थैंक्स सर। छह मिनट और लिख लो बेटा, थोड़ा सा एक दो फॉर्मूले और लिखाना है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सो मच। सर आप तो भी सुनते हो, बाकी के सर सुनते भी नहीं। सर हमारी आंखें दुख रही है। नमस्कार बेटा, ऑफलाइन तो आओ, आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा लूंगा फिर। ओके सर। अरे हम नहीं आने। चलो हो गया ये? हाँ हो गया। अभी तो आप घर पे हो, अगर मैं पढ़ा भी दूं जबरदस्ती तो भी आप सो गए तो मुझे क्या पता चल रहा है। वो भी सही है, वहां पे तो जबरदस्ती बैठा के रखा है। नहीं क्या, मैं जबरदस्ती बिठा के रखूंगा वहां तो, क्लास में बैठो आधा घंटा। अरे मैं बाल खींच खींच के फेंक देता हूँ। सर कोई चलो 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 बात नहीं, आगे करो। हो गया ये? हो गया हो गया बेटा। अब ये दो यूनिट कन्वर्जन काफी इम्पोर्टेंट है। 1 डेबाई इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू पर सेंटीमीटर, पहला तो ये, और दूसरा है 1 डेबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम इंटू मीटर, क्लियर। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला नंबर 2। वो होता है कि अगर हम इस तरह से डाइपोल मोमेंट कर रहे हैं जिसका बॉन्ड एंगल है थीटा, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट म्यू वन है और ये म्यू टू है, ए बी एंड सी इस तरह का। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आएगा म्यू इक्वल टू टोटल डाइपोल मोमेंट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। जल्दी से लिख लो फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छुट्टी हो जाएगी। हो गया क्या? नहीं सर। वैसे आपने जेई के वक्त कितने देर पढ़ाई करते थे? हो गया बेटा, हमारे टाइम तो बहुत ज्यादा होती थी, हमारी कोचिंग ही 8-8 घंटे की होती थी। कोचिंग को छोड़ के कोचिंग को छोड़ के फिर 3-4 घंटे तो कोचिंग को छोड़ के 4 ही घंटे करेंगे शायद सर। ऐसी तो 13 घंटे हो जाएंगे सर आपकी। रेजोनेंस में पढ़ा हुआ हूँ मैं, रेजोनेंस में पढ़ा हुआ हूँ कोटा में। कोटा में एनआईटी हो ना? सुबह से शाम तक हम रेजोनेंस में ही रहते थे। अभी तो घर पे आके पढ़ा लेते हैं आपको, अब ऑफलाइन हो रहा है तो शायद अभी भी सुबह से शाम तक रेजोनेंस नहीं रहे। कर दूं रेस? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है सिंपल सा बेटा, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। न्यू वन इक्वल टू न्यू टू दे रखा है और वो दे रखा है एक्स, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ न्यू।
व्हेन पहला क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तीसरा क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री एंड फोर्थ है थीटा इक्वल टू 180। इतना ही बेटा वेक्टर इतना ही आना है बस, ये दो फॉर्मूले और खत्म। ठीक है, फिर तो हम केमिस्ट्री की तरह से कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और कुछ भी नहीं। कर रहे हो? यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स, रूट टू, रूट थ्री एक्स होगा ना बेटा? हाँ रूट थ्री एक्स रूट के बाहर है, याद रखना है ना। ये देखो टू से टू कट गया, थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है तो रूट थ्री एक्स आ गया। यहाँ पर न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/3। सॉरी कॉस 90 के कॉस 90 जीरो, तो ये आ जाएगा रूट टू एक्स। क्लियर? न्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर और कॉस 120 कितना होता है, माइनस का हाफ। तो ये टू से टू कट गया, ये एक्स हो जाएगा ओनली। समझ गए? यस सर। यहाँ पर न्यू आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, कॉस 180 कितना होता है बताओ? 1 होता है कि माइनस 1 होता है? माइनस 1। तो ये हो जाएगा 0। मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम म्यू कब होगा, जब थीटा 180 था, देन इस पे देन इस पे देन इस पे। क्लियर? मतलब थीटा बढ़ता जा रहा है तो न्यू की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये हमारा एक जनरल रूल आ रहा है यहाँ। क्लियर है? हाँ। चलो हो गया 7:30, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी सेम टू यू सर। हैप्पी न्यू ईयर। चलो चलो सर, आप ऑफलाइन में कौन से इसमें पढ़ाओगे? ऑफलाइन में कौन सी यहाँ पे वर्धमान नगर में दूसरी जगह? बेटा अभी तक तो बर्डी का बताया गया है मुझे, अच्छा है। अभी संडे को जो टाइम टेबल आएगा उसमें पता चलेगा। ऑनलाइन में पढ़ाओगे आप? ऑनलाइन में भी पढ़ाऊंगा बेटा। ओके आप लोगों का पीछा नहीं करूंगा। ओके सर। ओके सर। बाय सर। हां सर, हम भी नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़िएगा सर, हम भी नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो बाय। आपके पीछे गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। हैप्पी न्यू ईयर। फिर क्या छोड़ना है? बाय सर। कुछ नहीं बेटा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। यूं पढ़ाई छोड़नी सर, हम भी नहीं छोड़े। बाय।